નમસ્કાર, આપણો ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગાંધીનગરથી અમારા સંવાદદાતા મહેશ આસોડિયા જણાવે છે કે ક્રિસમસ દિવસ પર મહાત્મા ગાંધી સાહિત્ય સેવા સંસ્થા ગાંધીનગર દ્વારા અમદાવાદ ઇકાઈ પર ક્રિસમસ દિવસ પર તારીખ 25 ડિસેમ્બર 2020 રોજ બપોરે 2 વાગે હિન્દીમાં ઓનલાઈન કવિ સંમેલન આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કુલ મળીને 74 કવિઓએ પોતાની રચનાઓ પ્રસ્તુત કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સરસ્વતી વંદના મુંબઈના સુખમિલા અગ્રવાલ બહેન દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે શ્રી ફાધર અરુણ નડિયાદ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. અતિથિ વિશેષ તરીકે શ્રી નિલેશ રાઠોડ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ખંભોડજ સાહિત્ય સેવા સંસ્થા આણંદ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ બંને અતિથિઓનું શબ્દોથી સ્વાગત સંસ્થાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સંસ્થાના અમદાવાદના અધ્યક્ષ શ્રી મહેશકુમાર આસોડિયા દ્વારા કવિઓને અને અતિથિઓને આવકાર્યા હતા. તેમજ આ કાર્યક્રમમાં ખંભોડજ સાહિત્ય સેવા સંસ્થા આણંદના પ્રમુખ શૈલેષ વાણિયા અધ્યક્ષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેઓએ કવિ સંમેલનનું સંચાલન 40 કવિઓને પ્રસ્તુત કરવા સુધી સુંદર રીતે કર્યું હતું અને ત્યારબાદ રાજકોટના કવિતા ભટ્ટાસણા શિક્ષિકા એવમ કવિયત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સંસ્થાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલ દ્વારા ક્રિસમસ વિષય પર પોતાની કૃતિ વેણીઓ દ્વારા પ્રસ્તુત કરી હતી. આ કાર્યક્રમના અંતમાં રાષ્ટ્રગીત ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલ અધ્યક્ષ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને કાર્યક્રમને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. नमस्कार, आज क्रिसमस दिवस पर मेरी रचना इस प्रकार है. गुजरात में कहते हैं नाताल, गुजरात में कहते हैं नाताल, मित्रों अंग्रेजी में कहते हैं पवित्र क्रिसमस, अंग्रेजी में कहते हैं पवित्र क्रिसमस. यीशु जन्मे बेनेथ नजरेथ गांव में, माता मरियम बहुत घूमे थे. आकाश ने चमका तारला, आकाश में चमक रहा तारला, भरवाड़ को कहा बी होम न डरो. यीशु प्रभु को अमर है नाम, यीशु प्रभु का अमर है नाम, देवल है सभी प्रभु यीशु के धाम. उम्र 12 से 30 तक यीशु न दिखे, बौद्ध सभा में यीशु कश्मीर में दिखे. अमेरिका की सॉफ्टडिक कंपनी का विज्ञापन. 1931 में जन्मे सांता क्लोज. लाल पोशाक, सफ़ेद दाढ़ी, गोरा मुख. बच्चों को मिले तो सुखी सुख. ब्राज़ील में जन्मा, ग्रांडपा इंडिया. मिस्टर सांता क्लोज सामने वो न जीता. कभी गुलाब कहते हैं चलो क्रिसमस मनाते हैं. सफ़ेद पोशाक पहनकर देवल में जाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं. मित्रों धन्यवाद. डॉक्टर गुलाबचंद पटेल अध्यक्ष महात्मा गांधी साहित्य सेवा संस्था, जय हिंद. नमस्कार, मैं डॉक्टर गुलाबचंद पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा गांधी साहित्य सेवा संस्थान गांधीनगर गुजरात से क्रिसमस डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं. आज हमारे मंच पर क्रिसमस डे पर कविता काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारे अतिथि श्री फादर अरुल नडियाद से उपस्थित हैं. मैं इनका सद्गुरुपी पुष्पों से हार्दिक स्वागत करता हूं. एवं दूसरे हमारे अतिथि श्री नीलेश भाई राठौड़, जो खंभोड़ साहित्य संस्था के मंत्री हैं, इनका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं. मित्रों हमारे अहमदाबाद के अध्यक्ष श्री महेश कुमार आसोड़िया, जो पत्रकार है और हमारे अहमदाबाद मंच के अध्यक्ष है, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं. इनका यह पहला कार्यक्रम है, इनका हार्दिक अभिवादन है. हमारे आज के कार्यक्रम में सरस्वती वंदना करने वाली सुखमिला अग्रवाल, जो मुंबई से हैं, इनका मैं हार्दिक आभार अभिवादन करता हूं. एवं संचालक श्री शैलेश वाणिया, महामंत्री अध्यक्ष श्री खंभोड़ सेवा संस्था, जिनका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ. एवं दूसरी हमारी संचालिका जो शिक्षिका हैं, राजकोट से हैं, श्री कविता भट्टासणा,
जिन्होंने आज मन संचालन में सहयोग करने का लक्ष्य रखा है, इनका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी को दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं, क्रिसमस दिवस पर हार्दिक अभिवादन करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद। नमस्कार मित्रों, हूँ महेश आसोड़िया। आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन में महात्मा गांधी साहित्य मंच अहमदाबाद मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्रिसमस दिवस पर आयोजित हिंदी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने वाले कवि लेखकों को अभिनंदन करते हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गुलाबचंद पटेल जी का हार्दिक अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने पूरे विश्व से कवि लेखकों को मंच से जोड़ा गया है। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में अध्यक्ष अहमदाबाद के रूप में हिस्सा ले रहा हूं। हमें महात्मा गांधी साहित्य मंच गांधीनगर के लिए गौरव है। धन्यवाद अध्यक्ष अहमदाबाद महात्मा गांधी साहित्य सेवा मंच। नमस्कार, मैं डॉक्टर मलकप्पा लियास महेश, बेंगलोर कर्नाटक। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करते हुए मंच को, मंच के सभी पदाधिकारियों को, सभी सुधी साहित्यकारों को और कार्यक्रम के अध्यक्ष को एवं सभी अतिथियों को मैं नमन करता हूँ। इस महात्मा गांधी जी के साहित्य मंच अहमदाबाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गुलाबचंद पटेल जी को मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज मुझे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने आमंत्रण दिया है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। और डॉक्टर गुलाबचंद पटेल जी एक सक्रिय साहित्यकार है, समाज सेवी है, अनेक संघ संस्थाओं के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हर कार्यक्रम में उन्होंने अपने जो योगदान अनोखा है, जिन्होंने आज तक 30 से अधिक ऑनलाइन कवि गोष्ठी हिंदी और गुजराती भाषा में किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि साहित्य क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि साहित्य का भविष्य उज्जवल है। तो इसलिए जो गुलाबचंद पटेल जी को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज क्रिसमस के शुभ अवसर पर इस महात्मा गांधी जी साहित्य मंच अहमदाबाद इस पटल पर काव्य गोष्ठी रखे गए हैं। तो भारत असल में तो एक सहनशीलता राष्ट्र है। भारत में हिंदू धर्म मात्र ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ऐसे बहुत सारे धर्म जाति के लोग अपने आप से मिलजुल कर रहते हैं और सभी धर्म के त्यौहार सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। यह बहुत ही एक विशिष्ट बात है कि इसी एकता के कारण आज भारत विश्व में विश्वगुरु बन बैठा है। आज के कवि गोष्ठी का विषय है क्रिसमस, यानी कि ईसा मसीह का जन्मदिन। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं डॉक्टर मलकप्पा लियास महेश, बेंगलोर से, मैं मुख्य अतिथि के तौर पर मैं अपनी कविता आपके सामने पेश करता हूँ। मेरी कविता है ईसा मसीह। मन की अशांति झंझट दूर कर ज्योति दीप जगा दे देवा।
मन की अशांति झंझट दूर कर ज्योति दीप जगा दे देवा। प्रभु यीशु तो सब देख वेता हृदय मानव का दूर कर दे तुम हंसी भरते। सदा छोट खाते मनुष्य जीवन बिता खुशी से डगमगाते। हर मुश्किलें दूर कर सबके घरों में जीने की उम्मीद को भर। सुन लिया तेरी महिमा वो ताकत अपार, खरा दे डूबती नैया पार। जुबान पर आया तेरा नाम सच्चा मंत्र यीशु है, ईसा मसीहा का काम। क्रिसमस तो अमूल्य छाया, ईस्टर के दिन जन्म पाया। क्रिसमस तो अमूल्य छाया, ईस्टर के दिन तूने जन्म पाया। गुड फ्राइडे के दिन जान गवाया, सबका सही मार्ग दिखाया। धन्यवाद, नमस्कार। महात्मा गांधी साहित्य सेवा मंच में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाब चंद पटेल जी द्वारा मुझको जो आमंत्रण दिया गया है, मैं नीलेश राठौर नील, खम्भोज साहित्य सेवा संस्था के उपाध्यक्ष, आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ। आज इस पावन अवसर नाताल पे कार्यक्रम महात्मा गांधी साहित्य मंच के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आज इस पावन अवसर क्रिसमस पे बाल यीशु की जन्मदिन की सभी कवि मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाग लेने वाले सभी कवि मित्रों को बहुत सारी ढेर सारी खूब शुभकामनाएं। संस्था के तमाम पदाधिकारी का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलाब चंद पटेल जी आपका, जो मुझे आपने इस काबिल समझा। धन्यवाद सभी कवि मित्रों को मेरी तरफ से। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।